प्रयागराज के समोदीपुर में दर्जा प्राप्त मंत्री का जोरदार स्वागत, फूलपुर उपचुनाव में किया जीत का दावा। लखनऊ के आरएमपी पब्लिक स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित, कार्यक्रम में स्कूल के प्रबंधक सहित सैकड़ों बच्चे रहे मौजूद। लखनऊ में न्याय के लिए भटक रहा पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। सहारनपुर में मायावती के पोस्टर के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल, मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में, मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। समोधीपुर गांव में दर्जा प्राप्त मंत्री सोहनलाल श्रीमाली का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि उन्होंने मां शीतला धाम में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद दिया और फूलपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पिछड़े समाज के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। हम यहाँ समोधीपुर से फूलपुर विधानसभा में जा रहे हैं। फूलपुर विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, उसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पिछड़े समाज को एकत्रित करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन देने के लिए हम निकले हुए। उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभाओं में चुनाव होने वाले हैं, उन सभी 9 विधानसभाओं में पिछड़े समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी बड़े मत से इस बार विजय प्राप्त करेगी। और इसके अलावा अभी जो पूर्व के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें पिछड़े समाज को धोखे में रख करके बाकी के विपक्ष की पार्टियों ने जिस प्रकार से बरगलाया, धोखा दिया कि खाते में इतना पैसा जाएगा, खाता कट जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये सब जो सारा धोखे देने वाली बात की थी वो सारी जनता जान चुकी है। इसलिए पिछड़े समाज के सारे लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हुए हैं। लखनऊ के बक्शी का तालाब के आरएमवी पब्लिक स्कूल मवई में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तरी क्षेत्र लखनऊ के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत स्कूल में क्षेत्रीय निदेशक केंद्रीय भूमि जल बोर्ड एसजी भरतरिया डॉक्टर रंजीत कुमार प्रसाद वैज्ञानिक विकास कुमार वैज्ञानिक द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोदी जी प्रधानमंत्री जी का एक जो कार्यक्रम है एक पेड़ जो मां के नाम, उसके अंतर्गत हम लोग इस स्कूल में आए हैं आज। और उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पेड़ों की कमी हो रही है, क्लाइमेट चेंज की जो वजह से असंतुलन हो रहा है पर्यावरण का, उसको ठीक करने के लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ लगेगा तो जल वायु प्रदूषण इन जो सब में अपने आप में जो है क्या होगा, कमी आएगी। और जो हमारा बारिश का पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पा रहा है क्योंकि पेड़ नहीं है, सॉयल जो होती फर्टिलिटी उसकी जो कम होती जा रही है। पेड़ लगेगा तो उसकी जड़ होगी, जड़ होगा तो वो सॉइल को पकड़े रहेगा, तो जो हमारा बारिश का पानी है वो जो है ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता। सॉइल अच्छी होगी तो हमारा बारिश का पानी ग्राउंड वाटर के रूप में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो जो हमारा ग्राउंड वाटर का स्तर है वो भी आजकल आपने देखा होगा ना कि जो है नीचे जा रहा है, क्वालिटी भी पानी की जो है ख़राब हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो एक पेड़ लगाने से बहुत सारी चीज़ें हमारी समस्याओं का समाधान होगा। जी खबर बलिया से है, जहां दबंगों से परेशान परिवार न्याय के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। बता दें कि पीड़ित का कहना है कि खरीदी गई जमीन की ना तो रजिस्ट्री की जा रही है और ना ही उसका पैसा वापस किया जा रहा है, उल्टा पीड़ित को ही डराया धमकाया जा रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन से भी की है, लेकिन किसी तरह की मदद प्रशासन से नहीं मिली, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री आवास पहुंचा, जहां उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। और क्या कुछ कहा उन्होंने आप भी सुनिए। जी मैं यहाँ आई हूँ, मामला ये है कि नदीम खान जो है ये पैसा लिए हैं और पैसा लेकर बैनामा ना लिख रहे हैं, ना जमीन लिख रहे हैं, ना ही वापस पैसा कर रहे हैं। और ये कई दिन तक इनको हम लोग जैसे मांगने के लिए प्रयास किए, 2020 से लेकर 2021 तक ले इनको पैसा दिया गया था, मांगने पर ये लोग ना ही बैनामा लिख रहे हैं और ना ही पैसा वापस कर रहे हैं। और बोल रहे हैं ज्यादा बोलोगी तो जवान काट दिया जाएगा और ये लोग घर में घुस कर, ये लोग घर में घुसे लोग, ये लोग हम लोग को बुरी तरह से हमको मारे। जी मैं यहाँ सर कि हमारे जमीन के नदीम खान ने पैसा लिए, पैसा लेने के बाद जमीन भी नहीं लिखे, हमारे बीबी बच्चों के घर में घुस के बहुत बुरी तरह से मारे और मारने के बाद मैंने थाने पर गए, थाने पर कोई सुनवाई नहीं होती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर FIR लिखा गया। उसके बाद हर दिन हम लोग को पीड़ित किया जाता है, कई बार हमारे पर पिस्टल सटा के पैसा वसूला गया है, बस खारी थाना पड़ेगा। मैंने DM साहब के यहाँ, कप्तान साहब के यहाँ, बड़े बड़े अधिकारियों के पास लेटर दिया, बल्कि कोई सुनवाई नहीं होती है। उनकी दबदबा बहुत बड़े माफिया हैं उनके, उसके बाद उनके पीछे
छोटे बाबू हैं, फैजान खान हैं, अतहर खान हैं, ये लोग मुकदमा उसमें जब लिखाया मुख्यमंत्री के नाम पर, तो मुकदमा जब कोर्ट में चला गया तो ये वापस लेने खातिर हमारे जब पर्यावरण हम लोग तारीख पर जाते हैं तो पकड़ के बहुत बुरी तरह से मरवाते। सहारनपुर में बसपा सुप्रीमो मायावती के पोस्टर के साथ एक युवक द्वारा बनाए गए आपत्तिजनक वीडियो के वायरल होने से दलित समाज में गहरा रोष फैला हुआ है। बता दें कि वीडियो में युवक मायावती के पोस्टर को छलनी से देखता है और उसे पानी का लोटा लगाता है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बसपा और भीम आर्मी ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर SP ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें की एक व्यक्ति द्वारा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली है। इस पर पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा भी थाना बेहट पर एप्लीकेशन दी है। इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया है और थाना बेहट पर, और जो व्यक्ति जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये सभी जांच का विषय है। ये मुकदमा जो इस वीडियो में दिख रहा है उसे गिरफ्तार कर लिया, बाकी उससे वृहद पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें सामने आए। कार्यकर्ता है हमारे साथ, हमारे मंडल के प्रभारी कश्यप साहब है, विजेंद्र कश्यप जी, सरफराज नाइन साहब मंडल प्रभारी, जिले के महासचिव हमारे गुज्जर समाज से राजू माजरा जी हैं, और सर्व समाज के लोग और त्यागी जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी अमित सैनी जी हैं, हमारे साथ हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, एक गाँव है इधर रामपुर कला बेहट विधानसभा में, बेहट थाने के अंदर आता है, तो रात हमने उन्हें एप्लीकेशन भी दी थी सुबह थाने में, और उसके बाद हम कप्तान साहब से मिले। हम चाहते हैं जो इस तरह का प्रवृत्ति के लोग हैं उनके दिमाग ठीक होना चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मिर्जापुर के अर्जुनपुर पाठक में सनातन हिंदू वाहिनी संगठन विस्तार कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिलाध्यक्ष नरेंद्र कुशवाहा और प्रदेश अध्यक्ष संजय ठाकुर की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। बता दें कि इस कार्यक्रम में कई नए सदस्यों की नियुक्ति की गई और सनातन धर्म के विस्तार पर चर्चा की गई। हमारा संगठन सनातन हिंदू वाहिनी, जिसकी स्थापना 19 नवम्बर 2015 में की गई थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष काल का पीठाधीश्वर मैन सुरेंद्र अवधू जी महाराज हैं, जिनकी छत्र छाया में, जिनके चरणों की धूल को मस्तक लगाते हुए हम सभी कार्यकर्ता, सभी सदस्यगण कार्य कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम मिर्जापुर में रखा गया अर्जुनपुर में, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि यहां की सभी लोगों की जागरूकता देखते हुए, सभी माताओं बहनों की, सभी भाइयों की, बड़ों की, बुजुर्गों की, कि जिस तरीके से सनातन के लिए सब लोग जागरूक हैं, मैं आश्चर्यचकित भी हूं और मुझे आज गर्व भी महसूस हो रहा है कि ऐसे भी गाँव हैं कि जहाँ सभी लोग सनातन से इतना प्रेम करते हैं। आज इस गाँव में हमारे मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष इनके नेतृत्व में हमारे संगठन विस्तार कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। नरेंद्र कुशवा जी के हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं अमित उपाध्याय जी, जिनकी छत्र छाया में हमारा संगठन अच्छी तरह फल फूल रहा है। बरेली में जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में तैनात कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि एक बच्चे को समय पर इलाज नहीं मिला। बच्चा और उसके परिजन एक घंटे तक गेट पर इंतजार करते रहे। AMO की फटकार के बाद वार्ड का गेट खोला गया, जिसके बाद परिजनों ने इस लापरवाही का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मिर्जापुर के विंध्याचल में एक लॉज में संदिग्ध हालत में सफाईकर्मी का शव मिला। बता दें कि मृतक के पास सेक्स वर्धक दवा भी पाई गई, जबकि उसके साथ आई महिला फरार हो गई। बता दें कि बाद में महिला ने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच शुरू कर दी। 112 नंबर पे सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस विंध्याचल, COCT एवं उच्च अधिकारियों के द्वारा साथ में फॉरेंसिक टीम के द्वारा विजिट किया गया। जांच में पाया गया कि जो व्यक्ति है उसका नाम संतोष मौर्य है, वह शाहपुर चौसा कोतवाली देहात का निवासी है। साथ ही ये उसके कुछ वहाँ पर टैबलेट भी पाई गई एवं और गहनता से जांच करने पर यह पता लगा कि वो एक महिला के साथ 11 बजे इस लॉज में दाखिल हुआ और उसके बाद CCTV फुटेज के आधार पे जब महिला के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो ये जानकारी हुई कि ये महिला
सीतापुर के बिस्वा तराहा गेट पर ई रिक्शा चालक की महिला से छेड़छाड़ के आरोप में जमकर पिटाई की गई। बता दें कि इस मामले में एक युवक ने पहले लात घूसों से उसे मारा और फिर चप्पल से पिटाई की, जिससे चालक के कपड़े भी फट गए। बता दें कि इस घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मारपीट करने वाले युवक ने बताया कि चालक ने महिला सवारी को रास्ते में छेड़ा था। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।